नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। कुछ नई अपडेट आ रही हैं निकल के DSSB की तरफ से। आज की डेट में 8 नए नोटिस जारी किए गए हैं। एक नोटिस TGT PRT टीचर्स रिक्रूटमेंट 2021 से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 7 अन्य नोटिस हैं जिनमें जो पुरानी टीचर्स रिक्रूटमेंट थी उनसे जुड़ी हुई अपडेट हैं, LDC से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं और पटवारी से जुड़ी हुई भी अपडेट आ रही हैं निकल के। तो एक एक करके सभी नोटिस बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। ये नोटिस चेक करने के लिए आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा जो कि है DSSB.delhi.gov.in। तो यहाँ लेटेस्ट अपडेट और व्हाट्स न्यू के सेक्शन पे आपको अलग अलग जगह ये नोटिस देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का पहला नोटिस। सबसे पहले आप विज्ञापन संख्या 1/2021 से जुड़ा हुआ ये शुद्धि पत्र ही देख लीजिए। हिंदी में भी दिया गया है और ये कोरिजोंडम इंग्लिश में भी दिया गया है। जिस भी भाषा में आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2021 अंग्रेजी संस्करण के लिए रिक्त सूचना के क्रम संख्या 31 और 32 में उल्लेखित पोस्ट कोड 31/20 और 32/20 को क्रमशः 31/21 और 32/21 पढ़ा जाए। उपरोक्त वर्णित रिक्तियां सूचना की शेष सामग्री अपरिवर्तित रहेगी। तो क्या बदलाव है ये देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 4 मार्च 2021 को। तो इसमें जो पोस्ट कोड है ये देखिए यहाँ ये गलती से 31/20 और 32/20 पब्लिश हो गए हैं जबकि ये 2021 की रिक्रूटमेंट है। तो इन्हें 31/21 और 32/21 पढ़ा जाए। तो यहाँ सीरियल नंबर 31 पे पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT डेफ एंड डम की, टोटल 19 वैकेंसियां हैं। और 32 नंबर पे है स्पेशल एडुकेटर प्राइमरी की MCD की तरफ से है और यहाँ 1126 वैकेंसियां हैं। तो ये शुद्धि पत्र है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है TGT इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 131/17 से जुड़ी हुई। तो यहाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग में हैं। तो इन्हें अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक दूसरा मौका दिया जा रहा है 11 मार्च 2021 से और 15 मार्च 2021 तक। और इसके बाद अगला नोटिस TGT इंग्लिश फीमेल पोस्ट कोड 132/17 से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, इनके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, इन्हें भी एक मौका दिया जा रहा है अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 11 मार्च से और 15 मार्च 2021 तक। और लैब टेक्नीशियन ग्रेड 4 से जुड़ा हुआ भी इसी प्रकार का एक नोटिस आया है। ये दो कैंडिडेट्स हैं, इनके ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है। तो इन्हें भी मौका दिया जा रहा है 11 मार्च से 20 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है वेलफेयर ऑफिसर प्रोबेशन ऑफिसर पोस्ट कोड 14/19 से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह का ये नोटिस है। एक ही कैंडिडेट है जिनके डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग में है, इन्हें भी मौका दिया जा रहा है 10 मार्च से 19 मार्च 2021 तक अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। इसके बाद अगला जो नोटिस है वो पटवारी पोस्ट कोड 13/17 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी से 1, OBC कैटेगरी से 2, SC कैटेगरी से 2 और ST कैटेगरी से 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके कुछ डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग में हैं, यहाँ रिमार्क्स में दे दिए गए हैं। तो इन्हें अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मौका दिया जा रहा है 12 मार्च 2021 से और 21 मार्च 2021 तक। तो इस बीच में आप अपलोड कर सकते हैं अपने ये डॉक्यूमेंट। और इसके बाद इसी प्रकार की अपडेट LDC पोस्ट कोड 8/19 से जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिनके ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है, तो इन्हें भी मौका दिया जा रहा है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 30 मार्च से और 19 मार्च 2021 तक। और सबसे लास्ट में इसी प्रकार का नोटिस TGT हिंदी मेल पोस्ट कोड 140/17 से जुड़ा हुआ भी जारी किया गया है। यहाँ पे भी ये दो कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है, इन्हें मौका दिया जा रहा है 11 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक अपने ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो ठीक है दोस्तों, ये अपडेट आई थी निकल के DSSB की तरफ से 8 अलग अलग नोटिसों के माध्यम से जो आपके साथ वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।